जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका T9Schools.com में। दोस्तों बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे थे आप स्टॉक्स के बारे में। साथ ही दोस्तों हाल फिलहाल में आपने देखा होगा कि बहुत सारे यूट्यूब चैनल, इवन वो यूट्यूब चैनल्स भी जो इन्वेस्टिंग से रिलेटेड नहीं है, जो जिनका फाइनेंशियल से कोई लेना देना नहीं है, क्रिप्टो मार्केट से रिलेटेड नहीं है, स्टॉक मार्केट से रिलेटेड नहीं है, वो भी आप स्टॉक्स के बारे में बातें कर रहे हैं। आपने व्हाट्सअप पर देखा होगा, बहुत सारी अलग अलग वेबसाइट्स पर देखा होगा जिसमें आप स्टॉक्स के बारे में बताया जाता है। तो दोस्तों आज यहाँ पर मैं इसी के बारे में बात करूंगा कि क्यों आखिर हर कोई आपको आप स्टॉक्स के बारे में बता रहा है, आप स्टॉक्स के बारे में बात कर रहा है, इसकी असलियत क्या है, क्या आप पूरी सच्चाई जानना चाहते हैं आप स्टॉक्स के बारे में कि आप स्टॉक्स आपको क्या फायदा दे सकता है या क्या नुकसान दे सकता है। तो चलिए इसके पूरे के पूरे रिव्यू के बारे में बात करते हैं, एनालिसिस के बारे में बात करते हैं। साथ ही दोस्तों आपको पता ही होगा कि आप स्टॉक्स IPL का ऑफिशियल पार्टनर भी रहा है। तो दोस्तों यहां पर आप स्टॉक्स पर अगर आप साइन अप करते हैं, KYC कंप्लीट करते हैं, तो आपको यहां पर क्या फायदे मिलेंगे, क्या इसके बड़े नुकसान आपको हो सकते हैं और क्यों हर कोई आपको आप स्टॉक्स के बारे में बता रहा है, इसके बारे में आज यहां पर मैं आपको बताऊंगा। आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है दोस्तों, अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर कर ले और साथ ही उसके पास वाला बेल बटन भी प्रेस कर ले ताकि डेली बेसिस पर लेटेस्ट अपडेट यहां पर क्रिप्टो करेंसी, स्टॉक मार्केट और दोस्तों इसके अलावा फॉरेक्स मार्केट से रिलेटेड भी यहां पर हम आपको देते रहे। तो दोस्तों मैं यहां पर शुरुआत करूंगा स्टॉक मार्केटिंग से, यानी दोस्तों मार्केट का क्या हाल चाल चल रहा है। तो दोस्तों आपको पता ही होगा कि NFT काफी लंबे समय से जो हमारा निफ्टी है वो लगातार बढ़ रहा है और दोस्तों कोरोना में थोड़ा सा नीचे जब गया था एक साथ सारे के सारे स्टॉक मार्च 2020 के बाद से, उस समय से पूरे का पूरा शेयर मार्केट जबरदस्त तरीके से यहां पर ग्रो किया है, उसी के चलते निफ्टी यहां पर लगातार ग्रो कर रहा है। पिछले एक साल हो गया पूरा और स्टॉक मार्केट ने जरा सा भी झटका नहीं लिया, जिस दिन से बढ़ना शुरू हुआ बढ़ना ही शुरू चला गया। अक्टूबर में लोगों ने सोचा था अक्टूबर 2020 में कि बहुत बढ़िया अब गिरेगा, लेकिन वहां पर बढ़ा। इसके बाद दिसंबर आया, दिसंबर में लोगों ने सोचा बहुत बढ़िया अब गिरेगा। इसके बाद दोस्तों जनवरी फरवरी आया, फिर सोचा गिरेगा, नहीं गिरा। इसके बाद अब दोस्तों जो महीना चल रहा है आपको बताइए, यहाँ पर जून का महीना चल रहा है और जून में भी ये लगातार बढ़ रहा है, यानी गिरने का नाम नहीं ले रहा है। यहाँ तक कि RBI ने ये बात बोली थी कुछ दिन पहले कि स्टॉक मार्केट क्रैश हो जाएगा, उसकी भी नहीं चुनी सुनी, मार्केट ने बढ़ रहा है। लेकिन दोस्तों हाँ, जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं जैसे राकेश झुंझुनवाला और एक दो हैं जो कि नामी गिरामी हैं, वो इस बात को कह रहे हैं कि नहीं गिरेगा मार्केट। और दोस्तों होगा भी ऐसा ही, क्योंकि देखिए दोस्तों आज के टाइम में ये मार्केट लगातार बढ़ क्यों रहा है, देखिए इसका रीज़न मैं आपको बताता हूँ। इसका रीज़न ये है कि पहले क्या हुआ करता था, जब आज से 5-6 साल पहले की बात करें तो आपके जो सेविंग अकाउंट होते थे बैंक में या जो FD वगैरह किए करते थे, तो बैंक उस पर दोस्तों आपको कितना इंटरेस्ट देता था, बैंक उस पर इंटरेस्ट देता था आपको कम से कम 9 से 10%, और जो आपको लोन मिलते थे उस पर तब भी उतना इंटरेस्ट होता था जितना आज की डेट में होता है। अब दोस्तों ये क्या हुआ, लेकिन बैंक ने आज की डेट में जो सेविंग अकाउंट पर या FD पर जो इंटरेस्ट देना शुरू कर दिया, सेविंग अकाउंट पर तो बिल्कुल ही 2 से 3% कर दिया, 1% कर दिया, और FD पर 4% 4.5% इतना कर दिया, लेकिन लोन आज भी आपको उतने पर ही मिलता है। अब दोस्तों ये जो बीच का गैप आया इस इंटरेस्ट में, इसका फ़ायदा कौन उठा रहा है, बैंक उठा रहा है, सीधा कौन उठा रहा है, बैंक उठा रहा है। अब जब लोगों ने देखा कि बैंक में पैसा रखने का कोई फ़ायदा है नहीं है, बिल्कुल भी बढ़ नहीं रहे, इन्फ्लेशन रेट तो बढ़ रहा है लेकिन बैंक बिल्कुल भी पैसा दे नहीं रहा है, तो लोग कहाँ भागने लगे, म्यूचुअल फंड नाम की एक मार्केट में चीज़ आई थी, म्यूचुअल फंड की तरफ जाने लगे। अब म्यूचुअल फंड में वहाँ पर लोगों को 9 से 10%, 12%, 13%, 15% का फ़ायदा मिलने लग गया। लेकिन दोस्तों उसके बाद जब लोगों का ध्यान गया कि म्यूचुअल फंड भी जो आपको दे रहे हैं इंटरेस्ट सालाना, वो 10 से 11% ही दे रहे हैं, लेकिन लोगों का ध्यान कहाँ गया कि यार स्टॉक मार्केट में अगर हम डायरेक्ट इन्वेस्ट करें, म्यूचुअल फंड के थ्रू जाए ना, शेयर मार्केटिंग में डायरेक्ट इन्वेस्ट करें, तो यहाँ पर तो एक एक साल में 20-20% का फायदा भी उठ रहा है। आप अपनी बुद्धि से जो वहाँ पर सोचिए कि कौन सा स्टॉक आपको ज़्यादा फायदा दे सकता है, उसमें इन्वेस्ट कर दीजिएगा। ऐसे ऐसे शेयर भी हैं जो साल के अंदर 50-50% का फायदा दे गए, और दोस्तों नुकसान तो कोई सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि दोस्तों ऑब्वियसली ये मार्केट 100 गुना तो बढ़ नहीं गया, अभी जो 2 से 3 गुना ही बढ़ा है, और दोस्तों जो कंपनीज हैं वो लगातार ग्रो कर ही रही हैं, तो फायदा तो यहां पर होगा ही होगा। तो दोस्तों जब लोगों ने देखा कि यहां पर आप जबरदस्त जो पहले इंटरेस्ट रेट पर मिलता था बैंक में 10%, उससे भी ज्यादा फायदा यहां पर ले सकते हैं, बैंक में पैसा जमा करेंगे तो 2% बढ़ेगा साल में, यहां पर जमा करेगा 12-15-13% बढ़ेगा साल में, और डेली बेसिस पर ट्रेडिंग करेंगे तो और भी बढ़ेगा। इसके अलावा दोस्तों गोल्ड के बारे में बात करें तो गोल्ड के प्रति लोगों का इंटरेस्ट जाएगा, क्योंकि आपको पता ही है कि गोल्ड का प्राइस कितनी तेजी से बढ़ा है, आगे भी बढ़ेगा, तो दोस्तों गोल्ड के बारे में भी लोगों को पता चला। जब इन सब चीजों के बारे में लोगों को पता चला तो दोस्तों लोग किधर आए, शेयर मार्केटिंग की तरफ आए, स्टॉक मार्केटिंग की तरफ आए, म्यूचुअल फंड की तरफ आए, IPO की तरफ आए।
अब दोस्तों इसके बाद लोगों ने यहाँ पर ढूंढना शुरू करा कि ऐसा कौन सा प्लेटफॉर्म है जो ये सारी की सारी सर्विसेज यहाँ पर देता है। पूरी वीडियो देखते रहिए, इसके निगेटिविटी के बारे में मैं अभी बात करूँगा। तो दोस्तों लोगों ने बोला कि गोल्ड में ऐसा प्लेटफॉर्म हम ढूंढें जिसमें गोल्ड में भी इन्वेस्ट कर सकें, म्यूचुअल फंड में भी कर सकें, स्टॉक्स में भी कर सकें, IPO में भी कर सकें। और दोस्तों सबसे बड़ी बात, यहाँ पर हम ऐसा प्लेटफॉर्म ढूंढें क्योंकि देखिए कहीं पर आप म्यूचुअल फंड में पैसा लगाते हैं तो वहाँ पर आपका 1% या 0.50% कुछ ना कुछ चार्ज करता है, ठीक है, म्यूचुअल फंड में पैसा लगाते हैं। तो गोल्ड में किसी कंपनी में अगर किसी जैसे पेटीएम के थ्रू आप लगाते थे तो वहाँ पर भी कुछ चार्ज करता था, स्टॉक्स में लगाते हैं, IPO में लगाते हैं, वहाँ पर कुछ चार्ज करता था, लॉन्ग टर्म के लिए लगाते हैं तो दोस्तों। लेकिन अगर हमें एक ऐसी कंपनी मिल जाए जहाँ पर चार्ज कटे ही ना, जहाँ पर आपका बिल्कुल चार्ज ना कटे, जितना चाहे गोल्ड में इन्वेस्ट करो, जब चाहे जब बेचो, जब चाहे जब निकालो, और गोल्ड भी आपको प्योर मिल जाए, 24 कैरेट जो होता है वो वाला मिल जाए, और दोस्तों बनावट के चार्ज भी बिल्कुल ना जाए, यहाँ पर जब चाहे मर्जी जब खरीदें, जब चाहे मर्जी जब चाहे बेचें, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें उसमें आपका दोस्तों कोई चार्ज ना लगे, IPO में करें उसमें कोई चार्ज ना लगे, स्टॉक में करें उस पर कोई चार्ज ना लगे, सारा का सारा आपको फ्री मिल जाए। तो दोस्तों ऐसी कंपनी को तो लोग ढूंढेंगे ही ढूंढेंगे, इसमें बिल्कुल भी डाउट नहीं है। अब दोस्तों हुआ क्या यहाँ पर, अपस्टॉक्स ने क्या किया, अपस्टॉक्स ने दो तीन चीज़ें कर दी। कंपनी तो बहुत पुरानी थी, क्लाइंट बहुत ज़्यादा थे इसके पास, और से फायदा मिला लॉकडाउन का जब दोस्तों यहां पर। तो दोस्तों इस कंपनी ने यहां पर क्या किया है, इस कंपनी ने दो तीन चीजें कर दी, दो तीन चीजों में क्या किया। नंबर वन, तो दोस्तों इसने IPL के साथ पार्टनरशिप कर ले लिया। अब किसी भी कंपनी के प्रमोशन के लिए सबसे अच्छा तरीका यह होता है कि जहां पर युवा सबसे ज्यादा इन्वॉल्व हो उसके साथ पार्टनरशिप कर लो। इसी चक्कर में काफी सारी गेमिंग कंपनीज ने, काफी सारी बड़ी कंपनीज ने इसके साथ पार्टनरशिप की, और दोस्तों वीवो ने भी IPL के साथ पार्टनरशिप कर लिया। अब IPL के साथ पार्टनरशिप करने का फायदा सिर्फ यही नहीं हुआ कि प्रमोशन इसका हो रहा है, अभी इसके फायदे बताऊंगा, इसके फायदे क्या मिल रहे हैं यहाँ पर कंज्यूमर को। दूसरा, उसने ये सारे के सारे जितने भी इन्वेस्टमेंट हैं इन पर जीरो फीस कर दी, यानी दोस्तों कुछ भी आओ यहां पर खरीदो बेचो और इन पर आपको जीरो फीस लगेगी। क्या लगेगी, जीरो फीस लगेगी अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए खरीदते हैं या डेली बेसिस पर भी खरीदते बेचते हैं तो। दोस्तों यहां पर गोल्ड पर, म्यूचुअल फंड पर, IPOs पर आपको जीरो फीस लगेगी। अब जब ऐसा हुआ तो दोस्तों हर कोई इसके बारे में यहां पर जानना चाहेगा, बात करना चाहेगा। अब दोस्तों ये तो एक फायदा हुआ, लेकिन दोस्तों अपस्टॉक्स यहीं पर नहीं रुका। अपस्टॉक्स ने क्या कहा, चलिए इसके लिए अपस्टॉक्स की वेबसाइट पर लेकर आपको चलता हूं। अब दोस्तों अपस्टॉक्स ने बोला कि बिल्कुल फ्री में आप हमारे यहाँ गोल्ड में तो इन्वेस्ट कर भी सकते हो, और दोस्तों म्यूचुअल फंड में भी कर सकते हो, IPO में भी रख सकते हो, हम आपसे कोई चार्ज नहीं लेंगे। इसके अलावा अपस्टॉक्स ने बोला हम आपको एक और अपॉर्चुनिटी देते हैं, यह अपॉर्चुनिटी यह है कि आप 1 महीने में 1 लाख से भी ज्यादा की अर्निंग कर सकते हैं और लॉन्ग टर्म तक अर्निंग कर सकते हैं अगर आप और भी तरीकों से अपस्टॉक्स में अर्न करना चाहते हैं या बिना किसी इन्वेस्टमेंट के भी अर्न करना चाहते हैं तो। तो दोस्तों यहाँ पर अपस्टॉक्स ने उसके लिए क्या किया, उसने यहाँ पर एक रेफरल प्रोग्राम निकाल दिया, एक पार्टनर प्रोग्राम निकाल दिया, जिसमें अपस्टॉक्स क्या कहता है, अपस्टॉक्स कहता है कि ठीक है आप एक काम करिए, आप बोलिए आप व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर या किसी भी दूसरी वेबसाइट पर इस प्लेटफॉर्म को हमारे को प्रमोट कीजिए, उसमें हम क्या करेंगे आपको कि नंबर वन की इनकम जो आपको देंगे वो ये देंगे कि जब आप किसी को यहां पर रेफर करते हैं तो हम आपको 900 रुपए देंगे कम से कम, मतलब 500 से लेकर 1250 रुपए तक देंगे। हाल फिलहाल में जो इसका रेट चल रहा है 1000 के आसपास चल रहा है शायद, कि पर कस्टमर पर आपको 1000 रुपए मिलेंगे। और ये 1000 रुपए कैसे मिलेंगे, कोई इसमें किसी को पैसा नहीं देना है, इसमें क्या करना है, बस आपको दूसरे को किसी को बताना है कि भैया आप स्टॉक्स पर साइन अप कर लेंगे तो अपस्टॉक्स क्या बोलेगा कि ठीक है आपने साइन अप करवा दिया, आपका काम खत्म, आपको मैं यहाँ पर दे देता हूँ 500 से 1000 रुपये जो भी इसका रेट चलता है, अभी 1000 चल रहा है तो मैं आपको 1000 रुपये दे देता हूँ। अब कंपनी से यहाँ पर पूछा गया कि आप 1000 रुपये क्यों देते हो, तो कंपनी ने बोला कि जब मेरे पास एम्प्लॉयज ऑफिस में बैठकर काम करते थे वो 1 लाख रुपये महीने की सैलरी उठाते थे, तब जाकर मुझे महीने के 100, 200 या 50 कस्टमर लाकर देते थे। तो दोस्तों अगर मैं आपको काम करने का मौका घर से दे रहा हूँ और अगर आप मुझे 100 कस्टमर यहाँ पर लाकर दे रहे हो और मैं आपको 1000 रुपये पर कस्टमर दे देता हूँ, तो जितनी मेरी एक एम्प्लॉयज की सैलरी होती थी उतनी ही मैं आपको दे रहा हूँ, जबकि एम्प्लॉयज जो होता था 1 लाख सैलरी में कभी पूरा काम करता था कभी पूरा काम नहीं करता था, लेकिन आप जितना काम करेंगे उतना मैं यहाँ पर आपको पैसा दूंगा। जो पैसा मैं यहाँ पर प्रमोशन में बड़े बड़े एक्टर्स को देता, बड़ी बड़ी जो कंपनीज होती हैं उन्हें देता, वो मैं इंडिविजुअल को दे रहा हूँ। तो दोस्तों ऑब्वियसली अपस्टॉक्स यहाँ पर
फायदा कर रहा है हमारा आपका। जो अपॉर्चुनिटी बड़े बड़े एक्टर्स को मिलती थी, बड़े बड़े लोगों को मिलती थी, वो अपॉर्चुनिटी हमें मिल रही है, आपको मिल रही है कि व्हाट्सएप पर आप अपने फैमिली मेम्बर्स को, व्हाट्सएप पर आप अपने किसी भी दोस्त को रेफर कर सकते हो, किसी सोशल मीडिया चैनल से रेफर कर सकते हो। तो दोस्तों इस तरह से अपस्टॉक्स बोलता है कि मैं सिर्फ आपको रेफर का ही पैसा नहीं दूंगा, एक बार आपने रेफर किया वो तो वन टाइम इनकम हुई, रेफरल के अलावा भी मैं आपको इनकम दूंगा, यानी जब आप यहां पर इंट्राडे ट्रेड करेंगे डेली बेसिस पर। क्योंकि दोस्तों इंट्राडे ट्रेडिंग में अपस्टॉक्स ने क्या कर दिया कि 20 गुना तक मार्जिन दे दिया। मैंने आपको बताया था गोल्ड में, आईपीओ में और दोस्तों यहां पर म्यूचुअल फंड में तो इन्वेस्ट करने का किसी से कोई पैसा नहीं लिया जा रहा, लेकिन वही लोग जब डेली इंट्राडे ट्रेडिंग करना पसंद करेंगे तो यहां पर अपस्टॉक्स ने एक फायदा दे दिया उन्हें कि मान लिया आपकी जेब में 1,000 रुपए हैं, चाहे भले ही वो 1,000 रुपए आप किसी को रेफर करके लाए हो, तो अपस्टॉक्स क्या करता है उन 1,000 रुपए का 20 गुना मार्जिन देकर 20,000 बना देता है और बोलता है कि ठीक है आप इस पर इंट्राडे ट्रेडिंग करिए। आप जब इंट्राडे ट्रेडिंग यहां पर करते हैं तो दोस्तों हर एक कंपनी, कोई अपस्टॉक्स की बात नहीं है, हर एक कंपनी यहां पर कुछ चार्जेज लेती है, ये भी लेती है, ये आपकी मर्जी है कि आप इंट्राडे ट्रेडिंग करें या ना करें, लेकिन जब हमको फायदा दिखता है तो हम करेंगे क्योंकि मार्केट बढ़ रहा है। डेली बेसिस पर कोई भी ज्यादातर यहां पर डेली बेसिस पर इंट्राडे ट्रेडिंग आज की डेट में करता है तो वो कुछ ना कुछ वहां पर कमा ही लेता है, क्योंकि ज्यादातर डेली का मार्केट कुछ ना कुछ बढ़ ही जाता है। जब आप सुबह मार्केट खुलेगा पैसा लगाएंगे तो हमें पता है स्टॉक मार्केट बढ़ रहा है एक साल से, तो दोस्तों आज भी बढ़ेगा, ऐसा तो है नहीं कि आज नीचे गिर जाएगा बहुत, तो आज भी बढ़ेगा। तो आपने पैसा लगाया 20 गुना आपको मार्जिन मिला हुआ था, यहां पर 1% आपने जीत लिया, मान लिया आपकी जेब में 10,000 रुपए भी थे या 10,000 रुपए आपने रेफरल से कमाए थे, 20 गुना उसे कर दिया, 10,000 का 2,00,000 कर दिया, 2,00,000 पर 1% आपने कमा लिया, 2,000 का आंकड़े निकल गए 2 मिनट के अंदर अंदर, तो हर कोई करना पसंद करेगा। तो दोस्तों यहां पर अपस्टॉक्स क्या बोलता है कि जब यहां पर जिसे आपने रेफर किया वो इंट्राडे ट्रेडिंग करेगा, मैं उसे मार्जिन भी दूंगा, तो वहां से जो कमीशन मुझे मिलेगा उसमें से आपको भी हिस्सा दिया जाएगा। इस तरह से आपने अगर 20 कस्टमर भी कर दिए तो दोस्तों यहां पर अपस्टॉक्स बोलता है कि आपकी कम से कम इनिशियल मंथली अर्निंग 9,490 हो जाएगी, और ये कस्टमर्स धीरे धीरे जैसे अपस्टॉक्स पर काम करते जाएंगे तो उनका कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा, क्योंकि डेली बेसिस पर पैसा तो कमा ही रहे हैं, तो वो ज्यादा ट्रेड करेंगे, और ज्यादा ट्रेड करेंगे तो साल के अंत तक आपकी जो है मंथली अर्निंग, यहां पर एनुअल अर्निंग 5,83,748 तक पहुंच जाएगी आराम से। 5,83,748 तक पहुंचने का मतलब यह है कि ये जो 9,490 आप मंथ के शुरू में कमा रहे थे, ये साल के अंत तक आते आते आप मंथ के 50,000 कमाने लग जाएंगे। तो दोस्तों इसके बाद आप स्टॉक्स बोलते हैं कि ठीक है आप थोड़ी सी और मेहनत करेंगे अपने फैमिली मेंबर को, अपने दोस्तों को, और अपने दोस्तों और किसी को यहाँ पर रेफर करेंगे, तो ऐसे कर करके आप 500 लोगों को अगर किसी तरह आपने यहाँ पर रेफर कर लिया एक साल में, 2 साल में, 3 साल में, तो दोस्तों ये 500 लोग आपको इतनी तगड़ी अर्निंग दे सकते हैं जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते। अब स्टॉक्स कहता है कि इससे आपकी जो है अर्निंग कम से कम 2,50,000 रुपये मंथली हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? क्योंकि दोस्तों यहाँ पर आप स्टॉक्स आपको 9 लेवल तक इनकम दे सकता है। 9 लेवल तक इनकम देने का मतलब ये है कि पहला जिसे आपने रेफर किया वो भी किसी को रेफर करेगा, तो दोस्तों उसका भी जो इंट्राडे ट्रेडिंग होगा उस पर भी कुछ ना कुछ आपको कमीशन आएगा। तो दोस्तों इस तरह से अब स्टॉक्स ने क्या किया कि मल्टी लेवल प्रोग्राम यानी नेटवर्किंग प्रोग्राम, रेफरल प्रोग्राम और दोस्तों इतने सारे इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम, और गोल्ड में इसने क्या रखा है, यहां पर मैं नीचे की तरफ आपको दिखा भी देता हूं, अगर यहां पर ऑप्शन दिखाई दे रहा है अभी, तो यहाँ पर गोल्ड में क्या रखा इसने, गोल्ड में बोला कि हर महीने अगर आपका 1 रुपये का भी बजट है ना, कि 1 रुपया अभी आप में गोल्ड में यहाँ पर इन्वेस्ट करना है, तो 1 ही रुपये आप इन्वेस्ट कर दो, 10 का है 10 करो, 100 का है 100 करो। तो इस तरह से लोग अच्छी खासी सेविंग भी कर लेते हैं, जैसे बैंक अकाउंट में तो हर महीने आप 10 रुपये जमा करोगे भी तो इंटरेस्ट कुछ मिलता नहीं, क्या फ़ायदा। लेकिन दोस्तों यहाँ पर अगर हर महीने आप 10 रुपये डालोगे, कभी 20 डालोगे, कभी 30 डालोगे, कभी 50 रुपये डालोगे, जिस तरह से बच्चों की गुल्लक में डालते हैं, तो दोस्तों ये बढ़ता जाएगा और सोने का रेट तो दोस्तों वैसे ही बढ़ता जाता है। इसी तरह से म्यूचुअल फंड में डालोगे तो वो भी बढ़ता रहेगा, आईपीओ में डालोगे तो वो भी बढ़ता रहेगा, कोई रिस्ट्रिक्शन है नहीं, प्लेटफॉर्म कहता है चाहे 1 रुपये इन्वेस्ट करिए वही चलेगा, कोई फीस यहां पर आपसे जो है वन टाइम, अभी जो कभी ये फ्री कर देता है, कभी थोड़ी बहुत यहां पर वन टाइम चार्जेज लगा देता है। तो कुल मिलाकर दोस्तों इतना बड़ा फायदा यहां पर लोगों को हो रहा है, एक तरह से ये पूरा बैंकिंग सिस्टम बन गया। बैंक तो बल्कि दोस्तों जो सालाना है वो फीस भी काटता है 400-500 रुपये, लेकिन दोस्तों ये प्लेटफॉर्म यहां पर कहता है कि हम आपसे कुछ फीस भी नहीं ले रहे, वन टाइम चार्जेस थोड़ा बहुत ले
रहे हैं 150 रुपये, तो वो उसके बदले आपको डिजिटल गोल्ड दे रहे हैं। यानी दोस्तों केवाईसी करते समय अगर ये प्लेटफॉर्म कभी कभी आपसे 100-200 रुपये मांग भी लेता है, तो उसमें भी जैसे ही आपकी केवाईसी कंप्लीट होती है, ये डिजिटल गोल्ड आपको दे देता है, वापस कर देता है डिजिटल गोल्ड के रूप में उन पैसों को, तो वो भी कोई आपका नुकसान नहीं है। तो दोस्तों इस तरह से जो रेफर कर रहा है उसे भी फायदा हो रहा है, जो इंस्टॉल कर रहा है उसे भी फायदा हो रहा है, और दोस्तों स्टॉक मार्केट तो बढ़ ही रहा है दोस्तों, वहां से तो लोग फायदा कर ही रहे हैं। अब जब दोस्तों हर किसी को फायदा होगा किसी पर्टिकुलर कंपनी से, ऑब्वियसली कंपनी को भी फायदा होगा। तो लेकिन दोस्तों कंपनी ने ऐसा सिस्टम यहां पर निकाला है प्रमोशन का कि बड़े बड़े एक्टर्स को पैसा ना देकर इंडिविजुअल को पैसा यहां पर दे रहा है, और दोस्तों हर किसी को फायदा होगा तो वो रेफर भी करेगा, इसलिए कंपनी की तरक्की भी बड़े अच्छे तरीके से हो रही है, बड़े अच्छे से इसका आगे ग्रोथ हो रही है, हर कोई इसके बारे में आज की डेट में जान रहा है। तो दोस्तों ये पूरी की पूरी कहानी है अपस्टॉक्स की। अब दोस्तों अगर आपको भी अपस्टॉक्स पर साइन अप करना है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां पर क्लिक करके साइन अप करें। इसके बाद केवाईसी जरूर कंप्लीट कर लें, और साइन अप करते समय ध्यान रखें कि दोस्तों जो आपके आधार कार्ड पर डिटेल्स है, जैसे नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ, वही डिटेल्स आपको साइन अप करते समय भी डालनी है, वरना दोस्तों आपकी यहां पर केवाईसी कंप्लीट नहीं होगी, फिर आपको कस्टमर केयर को फोन करना पड़ेगा, दुनिया भर की चीजें करनी पड़ेंगी। तो दोस्तों मेरे अकॉर्डिंग जो अभी तक का रिव्यू है अपस्टॉक्स का, और क्यों ज्यादा से ज्यादा लोग अपस्टॉक्स को रेफर कर रहे हैं, आपको ये पूरी की पूरी इसकी कहानी है। तो दोस्तों ऑब्वियसली सबको ही काफी ज्यादा यहां पर बेनिफिट है, इसीलिए रेफर कर भी रहे हैं, इसलिए आप भी फायदा उठा रहे हैं, और दोस्तों लोग यहां पर दुनिया भर की चीजों में एक ही प्लेटफॉर्म पर सारी चीजें हैं। सबसे बड़ी बात यह है एक ही प्लेटफॉर्म पर, इसी प्लेटफॉर्म पर म्यूचुअल फंड में करो, इसी पर आईपीओ में करो, इसी पर गोल्ड खरीदो, इसी पर इंट्राडे ट्रेडिंग करो, इसी पर इंटरडे ट्रेडिंग करो, और दोस्तों चार्जेस भी नहीं है, सब कुछ इतना ज्यादा अच्छा यहां पर इस प्लेटफॉर्म पर है कि लोग इसे पसंद कर रहे हैं। यही कारण है कि हर कोई अपस्टॉक्स के बारे में बात कर रहा है, व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, वेबसाइट्स पर, यूट्यूब पर, बड़े बड़े यूट्यूबर जिनका इन्वेस्टमेंट से कोई लेना देना नहीं है, मैंने देखा है अपस्टॉक्स के बारे में उन्हें बताते हुए। तो दोस्तों ये पूरी की पूरी कहानी है, इस कहानी का आप लाभ उठा सकते हैं। कम से कम आप कुछ और भी नहीं तो साइन अप करें, केवाईसी कंप्लीट करें, उसके अलावा आपके फैमिली में ही 4-5 लोग होते हैं उन्हें ही रेफर कर दें, बोल दें कर लीजिए साइन अप, कोई कुछ जा तो रहा नहीं है वो ही कर लेंगे। तो दोस्तों उससे ही आपको अच्छा खासा फायदा हो जाएगा, और वहीं से आपकी इंट्राडे ट्रेडिंग की कहानी शुरू हो सकती है। मान लिया 5,000 रुपये आपकी जेब में आ गए 5-6 लोगों को रेफर करने के बाद, उन 5,000 का 20 गुना अपने आप कर देगा वहां पर अपस्टॉक्स, तो हो जाएगा 1 लाख। उस 1 लाख पर आप ट्रेडिंग करना शुरू करेंगे, डेली बेसिस पर 1% भी कमाया, मार्केट तो बढ़ ही रहा है, तो डेली बेसिस पर 1,000 रुपये तो आपने यही कमा लिए। जिन्हें आप रेफर करेंगे वो भी दोस्तों यहां पर ट्रेडिंग करेंगे, उससे आपको अलग से कमीशन आएगा, तो दोस्तों वो तो कमाएंगे। जिन्हें आपने रेफर किया वो भी अगर आपको आगे किसी को रेफर करेंगे उन्हें भी फायदा मिलेगा, और उन्हें जिन्होंने रेफर किया वो इंट्राडे ट्रेडिंग करेंगे तो उन्हें तो फायदा होगा ही, उसका फायदा आपको भी होगा, लॉन्ग टर्म में ये फायदा है। तो दोस्तों जैसे ही आप यहां पर साइन अप करके केवाईसी कंप्लीट करेंगे, हम आपको फोन करके भी जानकारी देंगे कि कैसे आप इस प्लेटफॉर्म पर लाखों रुपए महीने की अर्निंग कर सकते हैं बड़ी आराम से, आपको पूरी ट्रेनिंग वगैरह भी प्रोवाइड कराएंगे। यह आपको फायदा हो सकता है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से साइन अप करने का और केवाईसी कंप्लीट करने का, जल्दी से कर लीजिएगा। थैंक यू दोस्तों, ऑल द वेरी बेस्ट। आशा करता हूं आपको अपस्टॉक्स की पूरी कहानी समझ आ गई होगी। थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर वॉचिंग दिस।